कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज देट डिटरमिन हाउ विल कम्युनिकेशन बी अचीव्ड अक्रॉस डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट टीयर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दैट यू हैव इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल्स दैट यू यूज सिक्योरिटी इसमें कैसे होगी जो डेटा है एक लेयर से या एक मशीन से दूसरी मशीन पे जा रहा है उसमें ये आप कैसे इंश्योर करेंगे कि बीच में कोई उसको देख नहीं रहा या मैन ऑफ द मिडल टाइप का कोई अटैक नहीं है उसमें और इस तरह की चीज़ें हैं किसी को पता नहीं लग रहा है या कोई और बैठ के उसको चेंज तो नहीं कर रहा तो ये सारी चीज़ें ये यह, यहाँ पर ये यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम्युनिकेशन के स्टाइल्स क्या होंगे जो आप यूज़ करेंगे दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो वंस अगेन जो की डिसीजंस जो आपको करने की ज़रूरत है जो जो आपको की जो क्वेश्चन जो आपको करने की जरूरत है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन लेयर्स एंड टीयर्स ये जो सिक्योरिटी जो है बहुत सारी इसकी डायमेंशन है हम डेटा को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं या तीन किस्मों में डिवाइड करते हैं एक हम कहते हैं कि डेटा एट रेस्ट है डेटा एट्रेस्ट क्या है कि जो डेटा आपकी फाइल में या हार्ड डिस्क पे या डेटा बेस में कहीं पर स्टोर्ड है वो डेटा एट्रेस्ट है दूसरी डेटा की किस्म जो है उसको हम कहते हैं कि डेटा यूज़ है वो डेटा क्या है डेटा जो अब एक्चुअली प्रोसेसिंग हो रही है मेमोरी में लोड हुआ हुआ है सीपीयू पे है रजिस्टर में है डेटा इन यूज़ है और तीसरी डेटा की जो जो कैटेगरी आप कह लें वो डेटा इन मोशन है कि एक मशीन से दूसरी मशीन पे डेटा जो जा रहा है सिक्योरिटी में आपको इन तीनों चीजों का अलग अलग तरीके से ख्याल रखना पड़ता है डेटा एड्रेस के लिए सिक्योरिटी के मयर्स कुछ और होंगे डेटा इन यूज के लिए सिक्योरिटी के मेयर्स कुछ और तरीके से होंगे एंड डेटा एड्रेस में इट विल बी ए टोटली डिफरेंट मेकनिजम जो डेटा इन मोशन जो है ये कम्युनिकेशन से इसका ताल्लुक है एक मशीन से दूसरी मशीन पे जब डेटा जा रहा है कैसे जा रहा है हाउ डू यू कम्युनिकेट बिटवीन लेयर्स एंड टीयर्स और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जिसको हमेशा ख्याल रखने की जरूरत होती है दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट uh, है वो ये है कि हाउ टू परफॉर्म एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जब आप कनेक्टेड हैं हर वक्त सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है तो फिर तो बात चल रही है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन आपका सर्वर जो है आप यूं सेंड अ मैसेज टू द सर्वर और जब सर्वर इज़ अवेलेबल तो वो आपको उसका जवाब देता है इन द मीन टाइम यू कैन यू नो डू अदर स्टफ आल्सो इसकी एग्जांपल क्या है कि लेट्स से कि जो आपकी जो आप किसी को ख़त लिखते हैं वो एक ए संक्रोनस कम्युनिकेशन का मेकनिज़म है कि आपने खत लिखा जब दूसरे के पास टाइम मिला उसने उसको देखा उसका जवाब दे दिया ई फॉर एग्जाम्पल लेकिन जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो फिर ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, दोनों इंगेज हैं एक वक्त में और दोनों बात कर रहे हैं तो आजकल ज्यादा जो है वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का है तो इसमें आपको किसी तरीके से वो मैसेज को उसकी बफर करना पड़ता है उसको क्यों करना पड़ता है उसको संभालना पड़ता है, है और फिर उसको किसी तरीके से करना पड़ता है तो ए कम्युनिकेशन आप कैसे अचीव करेंगे और तीसरी जो चीज है जो पहली इससे साथ जो पॉइंट था उसके साथ ही रिलेटेड है हाउ टू कम्युनिकेट सेंसिटिव डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब डेटा एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाना है कैसे उस सेंसिटिव डेटा को करना है ताकि कोई और उसको ना कर सके तो ये कम्युनिकेशन की डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वंस अगेन फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जिसके बारे में आपको सोचना है और आपको इन सवालों के जवाब देने हैं कि ये कैसे करेंगे